हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचजी स्टडीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था एट स्टैंडर्ड सिक्स चैप्टर, दैट इज बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। उसका हमने पार्ट वन पार्ट टू हमारे वीडियो सेक्शन में अपलोड कर दिया है। तो पार्ट थ्री हम अभी अपलोड करेंगे, जिसके कारण आपको बहुत ही सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जिसके वजह से आपको बहुत ही बहुत सारे जनरल आंसर्स मिल सकेंगे। अब देख, हमने इसके बाद पहले जो आपको कुछ बताया था, जो कि था डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स किस तरह हुआ था, जो सुपरेशन ब्रिटिश का, इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया है। अगर आपने चैप्टर या फिर जो वो वीडियो था वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, जिसके कारण आपको ये था ना जो हमारा जो हम अभी बना रहे हैं जो वीडियो वो आपको अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि हम जो हमारा वीडियो है, जो कुछ भी बनाते हैं, वो हमें एकदम स्टोरी फॉर्म में समझाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छी समझ में आ जाता है। तो प्लीज़ उसे देखिएगा, तभी हम इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्लीज़ देख लीजिए। तो अभी देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट किस तरह हुआ। द ब्रिटिश बिकेम वेरी डिस्टर्ब लुकिंग एट द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑफ टू द इंडियंस, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगे, क्यों जो इंडियंस थे उनका बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स आने लगा इन नेशनल कांग्रेस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। जो एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, जिसके हिसाब से जो उन्होंने बहुत सारे स्ट्राइक्स किए थे, सब लोग बहुत सारे बीच में जुड़ गए थे, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें जो एक पार्टीशन था उसको वापस लेना पड़ा था और उसको रद्द करना पड़ा था। ये सब हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था आपको। द ब्रिटिश वंस अगेन फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब जो उन्होंने पहले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो बीच में हटा दी थी, अब इन्होंने वापस एक षड्यंत्र रचना चाहा। अभी देखते हैं इस षड्यंत्र में लोग क्या करते हैं। इन्होंने वापस डिवाइड एंड रूल की जो इनकी पॉलिसी थी उसको वापस लिया। दे स्टार्टेड यूजिंग द प्रोपोगांडा डैट फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम दे शुड हैव अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द मोटिवेशन ऑफ द ब्रिटिश मूवमेंट। अ कमिटी ऑफ अपर क्लास मुस्लिम अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मेट गवर्नर जनरल टू लॉर्ड मिंटो। ड्यू टू द मोटिवेशन फ्रॉम द लॉर्ड मिंटो एंड अदर ब्रिटिश ऑफिसर द मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश इन 906 यानी कि जो पहले तो जो पार्टिसिपेंट्स जो था उसमें तो जो मूवमेंट जो हुआ था उसमें ब्रिटिश पूरी तरीके से हार गई थी और इंडिया ने जो लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने इन्हें हरा भी दिया था। तो उसी के चलते जो चलते आ रहा था तो ब्रिटिश ने क्या कहा कि हम वापस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम वापस लेंगे। और उन्हें प्रोपेगेंडा यानी कि बहुत ही ज़्यादा फैलाना, प्रचार करना, किसका प्रचार करना कि जो या ब्रिटिश का कहना यह था, मुस्लिम से ब्रिटिश यह कहती थी कि हम आपको बोल सकते इंटरेस्ट तो देना चाहते हैं पर बीच में हिंदू आ जाते हैं, ऐसा ब्रिटिश कहते थे। और वो कहते थे कि हम आपको सेफगार्ड भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे और इसके लिए आपको सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन हम देंगे कि आपको एक सेपरेट नेशन में रहना होगा। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, सेफगार्ड देंगे, आपको पुलिस आर्मीज देंगे, तो ऐसा आप लोग करोगे तभी हम आपको देंगे। तो मतलब बोलते लोगों को इंस्पायर कर रहा था ब्रिटिश, तो सकते हैं कि लोगों को बहकावे में ला रहा था। तो इसी वजह से जो अपर कमेटी के कोई जो कुछ मुस्लिम जो लोग थे तो उन्होंने आगा खान जो वो लोग थे मुस्लिम क्लास के जो लोग थे तो वो आगा खान के अंडर थे। तो आगा खान जो था वो किससे मिला जाकर, गवर्नर जनरल ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो, उससे जाकर मिला। और जब वो आगा खान जब लॉर्ड मिंटो से मिला तब लॉर्ड मिंटो ने उसके दिमाग में बहुत सारे खुफिया जो सारी चीज़ें जो थी वो भर दी और वो जाकर जो आगा खान उसने मुस्लिम्स को अलग जगह पे ले जाना चाहा। और इसी वजह से एंड द ब्रिटिश और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी आगा खान को बहुत ज़्यादा बोलते ना बहकावे में ले लिया। द मुस्लिम्स लीग वॉज स्टैब्लिश और इसी वजह से जो मुस्लिम्स का अलग लीग मतलब बोल सकते अलग जो जगह स्टार्ट हुआ। अभी देखते हैं मॉरली मिंटो एक्ट, यानी कि मॉरली मिंटो एक्ट क्या था भी देख लेते हैं इसी के चलते चलते। मॉरली मिंटो एक्ट, तो प्लीज़ हमें आप सपोर्ट कीजिए, अभी हम आपको और भी इस चीज़ समझाने वाले हैं। देयर वॉज अ डैसिस्ट फैक्शन अमॉन्ग द इंडियन रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरह अपना काम कर रही थी सारे झगड़े लड़ाई करवा रही थी, तो उसके कारण जो ब्रिटिश जो इंडियन पीपल्स थे उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डैसिस्ट फैक्शन, बहुत ही गुस्सा उनके अंदर आ गया था और वो अब
घुटन की जिंदगी जीने लगे थे। द इंडियंस फेल्ट दैट द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन द इंडियन वॉज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि जो हमारे इंडिया में पॉवर्टी जो गरीबी है वो क्यों है, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो इंडियंस ब्रिटिशर्स की वो इकोनॉमिक पॉलिसी खाली ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड हो रही है, इंडियन पीपल्स को प्रोवाइड नहीं हो रही, इसलिए उनके देश में गरीबी पाई जाती है। ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ द लॉर्ड क्रूजन, जो ऑपरेसिव पॉलिसी जो थी लॉर्ड क्रूजन की, एक्सक्लूजन ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस इन द गवर्नमेंट सर्विस, अनजस्ट बिहेवियर टूवर्ड्स इंडियंस इन अफ्रीका, ऑल दिस एडेड द डिसफेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल। एज द टेम्पररी रेमेडी ऑन द डिसकंटेंट अमंग इंडियंस, द मॉर्लोमेंटो रिफॉर्म्स एक्ट 99 वॉज पास। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इन इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविजन ऑफ इंडियन इंक्लूजन ऑफ सम इलेक्टेड इंडियंस एंड रिप्रेजेंटेटिव इन द असेंबली वॉज मेड, यानी कि उस समय जब लोगों को लगता था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ये एकदम हमें सता रही है, तो जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने हमें उन्हें बहकाने के लिए जो पीपल्स की जो हम बोल सकते हैं जो उस समय एक थे कौन जो एक थे टेम्पररी जो एक थे कौन मॉर्ले मिंटो, तो उन्होंने एक चीज़ करना चाहा जिसके कारण जो इंडियंस है वो खुश हो जाए, इंडियंस खुश हो जाए, तो उन्होंने जो लेजिस्लेचर था उसमें इंडियंस को जगह देना चाहा, जो इंडियंस के जो जॉब सर्विसेज है उसमें भी लेना चाहा ताकि कि जो डिसफेक्शन है इंडियन पीपल्स के अंदर वो भी ख़त्म हो सके, क्योंकि ऐसा ही डिसफेक्शन अफ्रीका में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा राज किया था इंग्लैंड वालों ने, तो इसी वजह से इसे एक्ट ऑफ 99 कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से इंक्रीज था, और इसकी जो ये जो इनका एक्ट था जो इनका बोल सकते हैं कि जो एक मूवमेंट था उसको उसका नाम था क्या नाम था अभी यहाँ पे लिखा था सॉरी एक्ट ऑफ 99 जो इसके हिसाब से लोगों को जो इंडियन पीपल्स हैं उनका जो हम बोल सकते हैं जॉब्स लेजिस्लेचर जो असेंबली वहाँ पर मिल सकता है एंड प्रोविजन ऑफ इंक्लूजन ऑफ सम इलेक्टेड इंडियन, क्योंकि हम इंडियन पीपल्स को भी इलेक्शन का मौका जरूर देंगे। असेंबली वॉज मेड, ऐसा असेंबली बनाया गया। इन द सेम एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेर प्रोवाइडेड टू द मुस्लिम इंडियन मुस्लिम, यानी कि इसी के चलते जो इंडियन और मुस्लिम जो थे उन्हें अलग अलग बोल सकते हैं इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए गए थे ड्यू टू दिस कॉन्स्पिरेसी, और ये उनका षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र ऑफ द ब्रिटिश टू सीट द डिवीजन ऑफ इंडियन वेर सोन, यानी कि इसके कारण जो इंडियन जो डिवीजन है वो पार्ट ले सके, ऐसा इनका षड्यंत्र था। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये कौन थे मॉर्ली मिंटो जो थे ये भी बहुत ही ये ब्रिटिष का ऑफिसर है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो जरूर रचेगा, इसीलिए इसे भी कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है जो कि बहकावे में ला रहा था। अब देखते हैं बहकावे में लाने के बाद उसने क्या किया। अब देखते हैं लखनऊ पैक्ट। इन द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916 अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकमान्य तिलक, यानी कि जो उस समय जो लखनऊ पैक्ट यानी जो लखनऊ का समझौता किस तरह हुआ लोकमान्य तिलक के साथ, अभी वो देखते हैं कब हुआ 1916 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकमान्य तिलक। एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बीच में कुछ भी डिस्प्यूट्स जो है उसको रिजॉल्व करना है। इन द सेम ईयर देयर वर एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग नोन एज द लखनऊ पैक्ट, यानी कि उसी समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लोकमान्य तिलक के सामने जो एक हिंदू थे और जो मुस्लिम्स के सामने बीच में एक क्या रखते एग्रीमेंट रख दिया कि इसके हिसाब से लोगों को मतलब मुस्लिम्स को अलग रखा जाए और हिंदूस को अलग रखा जाए, और इसी को लखनऊ का समझौता कहा जाता है, पैक्ट यानी समझौता। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, और इसी पैक्ट के हिसाब से द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट electors of two Muslims and Muslim League agreed to support the Indian National Congress in its work for getting political rights to India, और इसी के चलते जो Indian peoples जो थे यानी कि जो हिंदू लोग थे उन्होंने चाहा कि हाँ हाँ हम आपको बोल सकते कि agreement जो था तो उसके ऊपर साइन किया उन्होंने, और उन्होंने उन्हें मुस्लिम्स को एक अलग खुद का नेशन बनाने का जो बोल सकते कि एक परमिशन दे दी, और इसी के चलते जो मुस्लिम जो थे उन्होंने भी इंडियन लीग्स को सपोर्ट करना चाहा, और जो पॉलिटिकल जो राइट्स थे वो इंडिया को भी मिल सके, इसलिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। तो जो इंडियन और जो मुस्लिम जो थे मुस्लिम और हिंदू उनके बीच में जो प्यार तो उस समय था पर जो ब्रिटिशर्स उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो लखनऊ पैक्ट क्या क्या था अभी उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं होम रूल क्या था, होम रूल मूवमेंट ये क्या था अभी भी देख लेते हैं। तो होम रूल जो
मूवमेंट था उसके हिसाब से इन 1940 में लोकमान्य तिलक वॉज रिलीज फ्रॉम द मंदालय जेल। जब 1940 में जब लोकमान्य तिलक 6 साल की सजा काट कर मंदालय जेल से जब रिलीज हुए जब छूटे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगेन इन यूरोप। और इसी के चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन हो गया यूरोप में कि हम जो ये लोग आए हैं कौन द ब्रिटिशर्स आए हम इन्हें वापस यूरोप में भेजेंगे और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस वॉर हैड टू बी बियर बाय द बाय इंडियंस एज वेल। अब जो इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो था वो इंडियंस को भी सामना करना पड़ा था। द रेट्स ऑफ बेसिक नेसेसरी कॉमोडिटीज इंक्रीज। और जो बेसिक जो नेसेसरी कॉमोडिटीज जो थे वो भी इंक्रीज होने लगे। मनी रिस्ट्रिक्शन वर पुट अप ऑन द इंडियंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि वो उनको क्या क्या करना चाहिए। दिस लेड टू इंक्रीज इन द डिसफैक्शन इन माइंड्स ऑफ इंडियंस। और इसी की वजह से जो इंडियन जो पीपल्स थे उनके अंदर ही अंदर कुछ अलग अलग बातें उग रही थी कि हम ब्रिटिश को किस तरह हरा सके और उनके माइंड्स में ऐसे सारे ख्याल आ रहे थे। इन दिस सर्कमस्टेंस डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट। यानी कि इसी की वजह से डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक इन दोनों ने मिलकर होम रूल मूवमेंट यानी कि एक आंदोलन था जिसको स्टार्ट किया। अब देखते हैं होम रूल का मतलब क्या होता है। होम रूल मींस सेफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि उनका मानना था कि हम खुद का गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे। सच मूवमेंट ऑल्सो बिगेन इन आयरलैंड अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। और यही एक ऐसा एक मूवमेंट था जो इंडिया में भी था और आयरलैंड जो था आयरलैंड वहाँ पे भी स्टार्ट हुआ क्योंकि उस समय वहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली थी। ऑन द सिमिलर लाइंस होम रूल मूवमेंट डिमांड राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और ये उसी समय जब वॉर चल रहा था तो उसी बीच में इनका डिमांड था कि इनका डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक का डिमांड था कि हम अपना जो सेल्फ गवर्नमेंट है फॉर्म करना चाहते थे ऐसा डिमांड रखा। एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक मेड एक्सटेंसिव टूर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द डिमांडेड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट रीच द कॉमन पीपल। यानी कि उन्होंने जो दो लोग थे कौन डॉक्टर बेसेंट और लोकमान्य तिलक इन्होंने जो हमारे इंडिया थे उसको जो सब जगह पे घूमे और लोगों को जागरूक किया और उनको बताया कि हम किस तरह सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं और वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं कॉमन पीपल के साथ। उन्होंने ऐसा सब सारी चीज़ें इंडियन पीपल्स को समझाने की कोशिश की अलग अलग पार्ट्स में जाकर। तिलक फैमिली स्टेटेड डैट और जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने एक बहुत ही भयंकर एक थॉट लिखा था जिनका नाम जो था मतलब उन्होंने उस समय उनके अंदर क्या विचार चल रहे थे वो बताया। स्वराज इस समय बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। आपने ये स्लोगन जो था ये आपने सुना जरूर होगा तो आपको ये भी पता होगा कि इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। तो जो स्वराज है ये बाल गंगाधर तिलक यानी कि हमारा भी ये एक बोल सकते कि एकदम बर्थ राइट है यानी कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे ऐसा इनका मानना था कि इनका जो लोकमान्य तिलक थे इनका। तो आपको इसका मतलब जरूर पता चल गया होगा कि स्वराज हमें चाहिए और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया किस तरह हुआ। द वॉर एटमोसफियर इन यूरोप ग्रोइंग डिसरिस्पेक्शन इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। यानी कि जो यूरोप में जो वॉर चल रहा था जो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था वो इंडियंस के माइंड में बहुत ही ज़्यादा बोल सकते कि ये षड्यंत्र बन रहा था। पॉपुलरिटी ऑफ होमो रूल मूवमेंट इन और उनको ये भी पता था कि जो होमो रूल जो मूवमेंट है ये भी स्टार्ट है तो इसके दौरान भी इंडियंस को काम करना बहुत ही जरूरी था। इन सच कंडीशन इट वॉज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू गेट कॉपरेशन फ्रॉम द इंडियंस। यानी कि इस समय ब्रिटिश को इंडियंस के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट करना पड़ा था कि वो अब किस तरह इंडियंस को संभाल सके क्योंकि जो इंडियंस थे उनके अंदर की लावा फूटने लगी थी वो खुद का जो गुस्सा था वो बाहर निकालने लगे थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम पॉलिटिकल राइट टू द इंडियंस। और इसी वजह से उन्होंने चाहा कि हम इस जो झगड़ा रहा है जो मूवमेंट है इसको रोके और कुछ समझौता करें बीच में। तो उन्होंने क्या समझौता किया कि हम जो इसी के जरिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडियन पीपल्स को कुछ पॉलिटिकल राइट्स देंगे। अब देखते क्या पॉलिटिकल राइट्स थे। इन 1917
मॉन्टेक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया डिक्लेयर्ड स्टेप बाय स्टेप इंडियंस विल बी गिवन द राइट्स टू सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि उन्होंने बताया कि हम जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको एक मॉन्टेक के ऊपर ले जाएंगे, मॉन्टेक, और उसको सेक्रेटरी भी प्रोवाइड करेंगे, और जो स्टेप बाय स्टेप हम उनको क्या राइट्स, राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट भी हम उनको धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे। तिलक ऑल्सो डिक्लेयर डैट इफ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू शो स्थैम्पी एंड कंसिडरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ इंडियन ओनली द इंडियन पब्लिक इज रेडी टू कॉपरेट द ब्रिटिश। यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर जो आपकी गवर्नमेंट है वो हमें अच्छा साबित देती है, अगर हमारे साथ अच्छा करती है तो ही तभी ही हम उनके साथ कॉपरेट करेंगे, किनके साथ, ब्रिटिश के साथ, तभी हम कॉपरेट कर पाएंगे, अन्यथा हम अपने हिसाब से काम करेंगे और आप अपने हिसाब से काम करिएगा। तो देखते हैं क्या होता है। द पॉलिसी ऑफ लोकमान्य तिलक इज नोन एज द रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन, और जो लोकमान्य की जो तिलक की जो पॉलिसी थी उसे रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन भी कहा जाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इनके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर, कि उन्हें उस हिसाब से काम करना था। अब देखते हैं माउंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, अभी देखते हैं। इन 1990 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अनदर एक्ट टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स इन इंडिया। यानी कि 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अनदर एक्ट पास किया था जो कि था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। दिस एक्ट इज नोन एज मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और इसी को क्या कहा जाता है, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अब जो ये एक्ट था इसके अकॉर्डिंग लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स वेयर ट्रांसफर टू द इंडियन मिनिस्टर्स, यानी कि जो इंडियन मिनिस्टर्स है उसको भी मतलब देंगे, पर लेस अमाउंट ऑफ डिपार्टमेंट उनको हम ट्रांसफर करेंगे। वेयर एज द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, होम अफेयर्स एंड रेवेन्यू वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि हम उनको कुछ बोल सकते हैं कि जो मिनिस्टर्स को हम उनको लेंगे अपने लेजिस्लेचर को अपने अंदर उनको भी लेंगे, पर जो फाइनेंस, होम अफेयर्स, रेवेन्यू जो है, जो कलेक्शन है उसका जो कंट्रोल रहेगा वो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगी। इन 1919 एक्ट डिड नॉट गिव मच एक्सपोजर टू द डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडियंस, यानी कि ये जो एक्सपोजर नहीं दे रही थी, कुछ अच्छा डिमांड हमें दिखा नहीं रही थी, तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ अच्छा भी साबित नहीं हो रही थी, नॉट गिव बोल सकते कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू दिस एक्ट, और इस वजह से जो कुछ जो इंडियन पीपल्स थे उन्हें उनको लगता था कि जो ये एक्ट है उसमें खाली हमारे मिनिस्टर को बहुत ही कम क्यों दिया जा रहा है, ये जो रेवेन्यू है उसका जो कलेक्शन है, जो उसका अमाउंट कितना यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ नहीं हो रहा, ये इंडियंस को भी पता रहना चाहिए। तो इसीलिए उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई और उन्होंने वो डिसअपॉइंट हो गए, वो इससे बोल सकते हैं कि मुंह फेर लिया उन्होंने। तिलक क्रिटिसाइज द एक्ट इन फ्लोइंग वर्ड्स, अब उन्होंने कहा कि वो दिस इज नाइदर स्वराज और नॉट इज फाउंडेशन, ये ना एक स्वराज है ना उसकी एक नींव है, ना ये स्वराज है ना उसकी एक नींव है, मतलब हम अपना स्वराज इसमें किस तरह डेवलप कर सकते हैं। अब हमें खाली मिनिस्ट्री दे रहे, हमें रेवेन्यू क्यों नहीं दे रहे, ऐसी सारी चीज़ें के बारे में। द इंडियंस अंडरस्टूड दैट इफ दे हैव टू सबड्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट देन द एग्रेशन नीड टू बी मोर रिगोरस, यानी कि इंडियन पीपल्स थे उन्हें अंडरस्टूड होने लगा कि अगर जो हम इंडियंस उनके साथ अच्छा करें तो वो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहे, मोर रिग्रेस क्यों कर रहे हैं। इंडिया गॉट प्रिपेयर फॉर न्यू मूवमेंट, और इसीलिए सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो जाहिर सी बात है जो लोकमान्य तिलक जो थे वो चुप बैठने वाले में से तो थे नहीं, तो इसलिए वो न्यू मूवमेंट का जो बोलते थे प्रिपेयर चालू कर दिया था कि अब ये जो पहले सब हुआ था, क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो उसके लिए अलग अलग मूवमेंट आ गया था, और भी बीच में हुआ था तो उसके लिए अलग मूवमेंट आ गया था, तो अभी ये किया तो अभी देखते हैं नया मूवमेंट क्या प्रिपेयर होता है। तो इसी के चलते हम अभी क्या मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हुआ, तो कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इफ एनी डाउट वॉज देयर देन यू कैन आस्क मी। तो मिलते हैं हमारे जो हमारा 7th चैप्टर का 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर लेके आएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह जो उन्होंने नेक्स्ट मूवमेंट का प्रिपेयर किस तरह किया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।